वर्ल्ड कप से बाहर होते ही टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर मचा हाहाकार। पीसीबी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। इन 8 खिलाड़ियों की हुई हमेशा के लिए टीम पाकिस्तान से छुट्टी और पीसीबी ने किया इन 8 खिलाड़ियों को टीम में शामिल। वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पीसीबी ने बदल डाली पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम। जी हां दोस्तों, आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पीसीबी ने बुलाई पाकिस्तान टीम की कौन सी इमरजेंसी मीटिंग और किया है कौन से खिलाड़ियों को बाहर, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आपके मुताबिक पाकिस्तान टीम में बदलाव होने सही है या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में नहीं पहुंच सकी। अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफी सख्त कदम उठाने जा रही है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम का काफी खराब प्रदर्शन रहा और पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जगह नहीं बना सकी। पाकिस्तान की टीम लीग स्टेज में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। खामियाजा टीम को सुपर 8 से पहले ही बाहर निकलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सख्त कदम उठाने जा रहा है, जहां टीम से कई खिलाड़ियों की छुट्टी भी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इसमें कड़े कदम उठाए गए हैं। इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, सादाब खान, आजम खान, सैम अयूब, उस्मान खान और उसामा मीर जैसे खिलाड़ियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी ये खिलाड़ी अब T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की ओर से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि इनकी जगह अब आमिर जमाल, एहसानुल्ला, तैयब ताहिर, आसिफ अली, सलमान अली आगा, साउद शकील, मोहम्मद हारिस और अब्दुल्ला शफीक जैसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जिससे कि ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाकिस्तान टीम को आने वाले दिनों में कोई बड़ा खिताब दिला सके। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या ये 8 बड़े बदलाव टीम पाकिस्तान को आने वाले दिनों में ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।